और राम के नाम लेकर किसी को हत्या करना ये हिंदुत्व की अपमान है, हमारे राम की अपमान है। राम के मानने वाले अपराधी नहीं हो सकते। तो सबसे बड़ा कोई आरोपी है तो आदित्यनाथ योगी जी है, उनके ऊपर FIR होना चाहिए, उनको ऊपर एक केस का मामला दर्ज होना चाहिए। पुलिस कस्टडी में अगर किसी की हत्या होती है तो आम लोगों की क्या होगी वहां पे उत्तर प्रदेश में, ये सबसे बड़ी सवाल है। बीजेपी के विधायक है कुलदीप सिंगर सेंगर है, उनके 106 मुकदमा दर्ज है। ये जो तीनों अपराधी है इनके ऊपर कब बुलडोजर चलाएंगे योगी जी? लगातार फर्जी इनकाउंटर, लगातार अपराधियों को बेलगाम कर दिया जाता है। आतिक अहमद अपराधी था, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, उसको 20 चौराहे पर कोर्ट फांसी के सजा सुनाए, बेशक उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरीके से अपराधी को खत्म नहीं किया जा सकता। एक मिनट तक फायरिंग हुई, एक मिनट तक क्या यूपी की पुलिस एक भी फायरिंग की? या हवाई फायरिंग हो या किसी अपराधी को ऊपर फायरिंग करना फर्ज बनता है कि नहीं बनता? जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी में आतिक अहमद और उनके भाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई, और ये खबर जब आई तो काफी हंगामा मचा दी और राजनीतिक गलियारों में भी काफी ज्यादा हंगामा मचा दी। उसी बीच पे हम बात करेंगे, यहाँ पे एक RJD का युवा जिला अध्यक्ष है मुकेश यादव जी, जो पश्चिमी चंपारण के है। अब इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर इनका क्या विचार है और ये जो घटना हुआ ये किस नजर से देख रहे हैं। सबसे पहले आपको तो स्वागत है। आपके चैनल्स के जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम है और सलाम है। अच्छा एक बात बताइए, जो यूपी में घटना हुई है आतिक अहमद उनके ऊपर जिस तरह से हमला किया गया, जिस तरह से उनको गोली मारा गया, वो भी पुलिस कस्टडी में और वहाँ पे मीडिया भी थी, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए सबसे पहले जो बात है कि किसी भी अपराधी का संरक्षण कोई भी पुलिस प्रशासन अपने राज्य में नहीं देना चाहता है। इसमें बेशक वो अपराधी है, बेशक वो इसमें आरोपी है, उनकी सजा हुई थी एक केस में, उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बेशक आप देखिए योगी जी का बड़ा नाम चलता है कि यूपी में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चल रहा है, लेकिन योगी जी के राज्य में योगी जी के पुलिस की उपस्थिति में और आप जैसे लाखों दर्जनों मीडिया कर्मी की उपस्थिति में कोई आता है और धड़ाधड़ 22 राउंड चलाकर दो इंसान की हत्या कर देता है, तो ये बेहद निंदनीय है। और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, यूपी सरकार मुख्यमंत्री जो योगी जी हैं भड़काऊ बयान देते हैं। 4 दिन पहले आपको सबसे राज्य के सबसे बड़ा मंदिर होता है संसद, और उस सदन में उनका भड़काऊ बयान आता है, उस भड़काऊ बयान से आहत होकर और ये अपराधी अपना हौसला बुलंद करते हैं और गोली चलाते हैं। तो इसमें तो सबसे बड़ा कोई आरोपी है तो आदित्यनाथ योगी जी है, उनके ऊपर FIR होना चाहिए, उनको ऊपर एक केस का मामला दर्ज होना चाहिए। हम लोगों का यही डिमांड है कि भड़काऊ बयान दे दे के युवाओं को जो आज बेरोजगार है, मोदी जी लगातार करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं और हजारों करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिए, तो क्या करेगा योगी जी के राज में? अच्छा एक बात है और है, जो लोग गोली चलाए उनके ऊपर 3 आदमी मिलकर गोली चलाए और तीनों आदमी जो गोली मारकर और जय श्री राम का नारा लगाए, ये किस तरह से आप देखते? देखिए भगवान श्री राम पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं, पुरुषोत्तम भगवान है हमारे राम, और राम के नाम लेकर किसी को हत्या करना ये हिंदुत्व की अपमान है, हमारे राम की अपमान है। राम के मानने वाले अपराधी नहीं हो सकते हैं, और राम को जो नहीं मानता है वही ऐसा ऐसा कांड करता है, अपराध करता है। तो जय श्री राम का नारा लगाने वाले और वैसे हत्या करते हैं, तो इसमें साजिश का बू आ रही है। साजिश का देखिए कहीं ना कहीं ये साजिश है। अच्छा एक बात और है कि जैसे कि मीडिया में भी, नेशनल मीडिया में भी काफी ज्यादा चल रहा है कि वो जो आदमी गोली मारे हैं उन लोगों का घर भी सही से नहीं है, वो काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, मगर वो 6-6 लाख 7-7 लाख 5-5 लाख के गन से मारे हैं और हमला किए, इस पर आप क्या कहना चाहिए? तो वही चीज तो हम बता रहे हैं कि योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, अपराधियों की वहां प्रकाष्ठा हो चुकी है। पुलिस कस्टडी में अगर किसी की हत्या होती है तो आम लोगों की क्या होगी वहां पे उत्तर प्रदेश में, ये सबसे बड़ी सवाल है, और इसका जवाब कोर्ट में देना पड़ेगा योगी सरकार को। और जिस प्रकार से आप देखिए हेमंत यादव का हत्या होता है, आप चल के देखिए लगातार वहां पे दूसरे समुदाय के लोगों को हत्या होता है,
उस अपराधी पर ऊपर कार्रवाई नहीं होता है। बीजेपी के विधायक है कुलदीप सिंगर सेंगर है, उनके 106 मुकदमा दर्ज है। तो इसे दर्जनों अपराधी है उनके ऊपर इनकाउंटर नहीं होगा। एक विशेष जाति को टारगेट करने का 2024 चुनाव को लेकर जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल लगातार बयान दे रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं, जिसमें साजिशों के तहत 40 जवानों को मारा गया था, उस न्यूज को दबाने के लिए ऐसे ऐसे अपराधियों का एक अपराधी का हत्या कर और लाखों न्यूज ऐसा दबाया गया है। ये बात सही है कि इसको बहुत लोग कह रहे हैं कि इस मामला को दबाने के लिए एक कोशिश की गई है। अच्छा एक बात और है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि वो दोनों आदमी जेल में हैं और वो सजा काट रहे थे, मगर अतीक अहमद के भाई जो अशरफ हैं वो गाड़ी में थे, मगर वहाँ पे मीडिया जब पूछ रहे थे तो वो बता रहे थे कि हमको 28 मार्च को उन्होंने बोला कि हमको 2 हफ्ते के बाद मार दिया जाएगा, ये साजिश कर दिया गया है, इसका प्लानिंग हो गया। इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए लगातार जब यूपी में फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं तो वो इंसान हो आरोपी हो या अपराधी हो उसके अंदर डर का माहौल बना हुआ है। तो कोई भी वो आरोप जो लगाए कि कोई पदाधिकारी उनको ये संदेश दिया कि आपको 2 हफ्ते के अंदर निपटा दिए जाएंगे, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, तो आप 2 हफ्ते के अंदर में अगर ये हत्या होता है तो इसको प्रायोजित नहीं कहेंगे, साजिश नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? आप देखिए ना, हम तो यही कहेंगे जो अपराधी है, लगातार बुलडोजर चलता है योगी जी के सरकार में अपराधियों पर, तो ये जो अपराधी हैं अपराध का बदला अपराध से चुकाया जाता है, तो ये जो तीनों अपराधी हैं इनके ऊपर कब बुलडोजर चलाएंगे योगी जी? ये बड़ी सवाल है। और यूपी का जनता देख रही है, हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि 2024 चुनाव आते आते लगातार फर्जी इनकाउंटर, लगातार अपराधियों को बेलगाम कर दिया जाता है और लगातार विपक्षियों के ऊपर जो संवैधानिक संस्था है उनको छोड़ दिया जाता है। आप इसको क्या कहिएगा? आतिक अहमद अपराधी था, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, उसको 20 चौराहे पर कोर्ट फांसी के सजा सुनाए, बेशक उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरीके से अपराधी को खत्म नहीं किया जा सकता है। अच्छा क्या आपको यह लगता है कि योगी जी ही मरवाए हैं? बिल्कुल, इसमें साजिश है, इसमें साजिश है। जो जय श्री राम के नारा लगाकर आता है और इनकाउंटर करने के बाद हाथ खड़ा कर देता है, तो आप देखिए ना, अगर वहां पे इतनी बड़ी दस बताया गया कि आपको 1 मिनट तक फायरिंग हुई, 1 मिनट तक क्या यूपी की पुलिस एक भी फायरिंग की, या हवाई फायरिंग हो या किसी अपराधी को ऊपर फायरिंग करना फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? 17 पुलिस वहां पर उपस्थित थी, 17 पुलिस के द्वारा जब अपराधी बीच में आकर मारता है उस अपराधी के ऊपर यूपी पुलिस को FIR फायरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बात सही है कि इनका कहना भी सही है कि जिस आदमी के सुरक्षा में 17 पुलिस दिए गए होंगे और वो आदमी सुरक्षित उनको रखने के लिए देगा और उनके आदमी पर यदि 1 मिनट या 48 सेकंड तक गोली अनाधुन चलते रहा, मगर यूपी पुलिस जो है एक भी फायरिंग डराने के लिए भी नहीं की, और जैसे उनको मतलब फायरिंग करके हाथ ऊपर उठाए तो ये गोद में हस्ते से पकड़ लिए, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस प्रशासन भी इसमें मिली भगत है या नहीं है, अभी ये तो जांच का विषय है। इसमें मेरा एक संदेश है कि जिस प्रकार से अगर अपराधी को ऐसे ही निपटारा करना है तो केंद्र सरकार से योगी सरकार से मेरा एक प्रश्न है कि न्यायालय किस काम के है? न्यायालय के जजों को जिस प्रकार से सैलरी जाती है, वकीलों को सैलरी जाती है, इसको बंद कर देना चाहिए और अपने आप को एक कोर्ट खोल देना चाहिए योगी जी, और किसी प्रकार के जो अपराधी है उनको ऐसे ही आप अपने सुनियोजित ढंग से निपटा देना चाहिए। ऐसे न्यायालय की क्या जरूरत है जब आपको अपने से ही अपराधियों को मरना है, खत्मा करना है? सारे विपक्ष और सारे लोग कह रहे हैं वो अपराधी थे, परंतु 5 बार के विधायक थे, 1 बार का सांसद थे, कितना ही आपको देख लीजिए 30 बरस के वो माननीय थे, आरोप लगा, सजा हुई, कोर्ट का फैसला है फांसी देगा, उम्र कैद देगा, एक कोर्ट का फैसला है, किसी भी सरकार की ऐसा फैसला नहीं है।